बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आप देख रहे हैं मैर मेरा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूँ कैसर मोहम्मद। आज सुबह मैंने जाना था लाला मूसा और बड़ी अजीब बात है, मेरा दोस्त जो है नोना वो मुझे नहीं मिल रहा। सारा गांव मैंने ढूंढा है, इनके पास अक्सर वो बैठता है, जहाँ पर भी मैंने पूछा है, और शहद की दुकान पर उसकी दुकान अपनी बंद है। तो नोना आज सुबह का गायब है, उसने मुझे लारा लगाया था कि आपके साथ मैं लाला मूसा जाऊँगा, लेकिन वो मिल नहीं रहा। शुक्र है, ठीक ठाक। रोटी कितने लैके चलो, पानी वाले वहां बाहर पानी लाया उन्होंने, मैनू ले चलो ना, ते तो अन्ना ला आ जा ना भाई, चला ना मदद करना थोड़ी जी। कितने लाया जी है बाहर अड्डे? अच्छा जी, ए निके निके कोई इनना दा तरफ करा होना है कोई ना पाई जाना जाना ना आएगा भाई अरशद फौजी अरशद। अच्छा जी, के ना लाला जी तोडा माशा अबे दा के ना? अच्छा जी ताना, ते आज छुट्टी है, एंजॉय कर रहे हो सवार वाले यारे? स्कूल पढ़दे हो? कितनी? 9वीं। तलीम मुकम्मल करके इरादा के बनना है? मतलब के सोच है फौजी बनना है? फौजी बनना है जिना दे वाल साहब भी फौजी आए एक निका जनाब चौक ते खलोते आ बड़ा प्यारा, के नाम तेरा? उस्मान। अबे दा के नाम है? अरफान। मुस्तफा। कटाना ते पढ़ना है स्कूल? कितमी पढ़ना है? कितमी पढ़ना है कोनी पता? हैं नर्सरी? हेलो, कितनी साल उम्र है कोनी पता? ए आपो ही अंदाजा ला लो जी कितनी उम्र है निके दी। मिलाद चौक ये करनाने का सबसे मेन चौक है, और जब मिलाद शरीफ होता है तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी महफिल होती है, यहाँ सब कुर्सियाँ लग जाती हैं, तो काफ़ी बड़ी महफिल नात होती है और बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर ये गेट बनाते हैं, इस वजह से इस चौक का नाम है मिलाद चौक, और यहाँ पर हबीब बैंक की ब्रांच भी है। वो यार मुड़ा है तो मनु तो लगता है पठान, पश्तो में बात करें या पंजाबी में या उर्दू में? क्या नाम है आपका? इधर देखो, इस्लाम नाम है। आपका गांव कौन सा है? करनाना उमर चक करनाने को। इधर देखो एक दफा, एक दफा इधर देखो। उत्तर तू लाया मेरे नाल अजदा, तू लेट जाना, मैं तू सुबह मेरे घर आया ना, तेन मैं रोटी खा ला, बुए के खलो तो मैं आया, तो मैं आया रोटी खा के, मैं तेरे घर भी पूछे, तेरी दुकान से पूछे, इन्हों को पूछे, शायद दुकान वाले को पूछे, तेरे यार को पूछे, तेरे भरा ने फोन किया, हर बंदे को पूछे। मैं नोना लारा ला के मैं कहना लाले मुझसे जाने, तो तू दस गए कि गए? स्कूटर गए शबादे नाल दे, स्कूटर ते शबाद नाल गए। तेरे तेरे लारे ने रिया बंदा कुवारा, मेरे लारे ने रिया को, ये तो मतलब तू कुवारा है, ये तो मेरे लारे ते ने। मैं तेरे को तो ब्याह दा लारा लाया, साल डेढ़ हो गया, साल डेढ़ हो गया, तो जे इस वारी तेरा ब्याह मैं कर दां, फिर तो नहीं आख लगा तेरे लारे ने रिया कुवारे पुत्र तेरे बिना मैं करना का? हां ते हुण के लियांदे लाले मुसे हुण तोदा मेरे नाल तू जांदा, मैं तेनू समोसा चाट खवालना, फरीदा खवालना, कुल्फियां खवालनियां हियां, जो बर्गर खवालने, ते तू सबर नहीं कीता नस गया नहीं आ जामना मियां हना पियां, ते मैं वेखले लाले मुसी ओ के किस वक्त दा आए हां ना लाले मुसे गया, उथू हो के आके घर गया, उधरू जनाब फिर इत्थे माम ते बैठा रहे हां, चौक ते बैठा रहे हां, इत्थे आए हां, ते तू हुण आए मेरे नाल, तू जांदा सौदा भी तू लै आना, किराया भी बच जाना। यूट्यूब वाले कहते ने नूना किसे नूने ना वीडियो बनाया कर, अच्छा कॉमेडी चाड़नी है राती, कॉमेड करके सारे दसो कि नूने दी गल्लां तुहानू पसंद आंदियां ने, जे पसंद आंदियां ने ते थले इस वीडियो दे थले कॉमेंट जरूर करो। चाचा जी मूलियां किस तरह ने किलो?
40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਇਹ ਕੇਲੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨੀ ਅਸਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਘਰ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੇਚੀਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਤੇ ਰੋਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਖੋਲਦੇ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੀ ਕਿਰੇ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾਭ ਜੇ ਦੀ करनाने का रास्ता है इस तरफ करनाना है और इस तरफ चेचियाँ यहाँ पर एक दुकान है सब्जी की तो मैं यहाँ पर आया हूँ सब्जी देखने के लिए कि इनके पास कौन कौन सी सब्जी है यहाँ पर एक बोर्ड का पुराना दरख्त है तो इसके नीचे मैं खड़ा हूँ बड़ी ठंडी और प्यारी हवा है यहाँ पर मज़े का मौसम है यहाँ पर मोटर चल रही है और किसी ने अपनी फसल को पानी लगाया हुआ है बड़ा प्यारा व्यू है मैं यहाँ पर ये व्यू इंजॉय कर रहा हूँ बेशक इंसान यूरोप के जिस मुल्क में भी रहे लेकिन जो मज़ा अपने पाकिस्तान में खासकर इस देसी कल्चर को देखकर आता है वो यूरोप के किसी भी मुल्क को देखकर आपको वो मज़ा नहीं आता शायद हम यहाँ पर पैदा हुए हैं और ये हमारे मुल्क की मिट्टी है इस वजह से भी और उसके अलावा ये जो हमारा देसी माहौल है ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जो बाहर प्रदेश में बसते हैं बैरून मुल्क मुकीम हैं हमारे पाकिस्तानी भाई तो जो लोग यहाँ पर हैं उनके लिए ये नॉर्मल है तो वो तो देखते रहते हैं सारी ज़िंदगी उनकी इस चीज़ में बसर हो गई है लेकिन जैसे मैं हूँ जैसे मेरे दोस्त हैं बैरून मुल्क मुकीम हैं बसिलसरा रोज़गार तो वो ये माहौल बड़ा मिस करते हैं बड़ा प्यारा माहौल है पाकिस्तान का जो गांव की ज़िंदगी है बड़ी प्यारी है शहर की बनिस्बत गाँव के जो लोग हैं एक दूसरे का ख्याल रखते हैं जो अपने पड़ोस वाले होते हैं उनका एक दूसरे के पास जाना आना होता है कोई बीमार हो जाए तो उसकी मदद इमदाद करते हैं इयादत करते हैं तो एक दूसरे का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं ये गांव की सबसे बेहतरीन चीज़ है कि अभी भी दर्द एक दूसरे के लिए अपने दिल में महसूस करते हैं ये गांव के देसी देहाती और सुच्चे और खरे लोग ये पानी की नेमत बहुत बड़ी नेमत है यूरोपियन ममालक हैं जो अरब वाले हैं उनके पास पानी नहीं है ज़मीन में वो समंदर का पानी साफ करके इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है ये देखें ज़मीन से पानी निकल रहा है साफ़ और सुथरा पानी ये पानी फसलों को लगेगा फसलों की अच्छी और साफ़ नशोनुमा होगी ये देखें बिल्कुल साफ़ पानी है जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है अल्लाह ने हमें पानी जैसी नेमत से नवाजा है पिछे कमाद की फसल बड़ा प्यारा व्यू है कैसा मौसम जबरदस्त नहीं पाकिस्तान का
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ। ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਮਨੂਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਟੰਗੀਆਂ ਜੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਖਾਲੇ ਜਾਂ ਚੇਚੀਆਂ ਦੀ ਐਂ ਕਰਨਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਛਾ, ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨਾ ਨੇ? ਚੇਚੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕਰਨਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਮੱਝਾਂ ਸ਼ਿਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ? ਡੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲ? ਡੇਰੀ। ਡੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਬਬਾਣੀਆਂ ਪਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਬਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਲੇ ਡੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਨੇ? ਸੱਤ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਪੰਜ ਗਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੱਤ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜ ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਸਾ ਹੈ ਕੰਮ ਡੇਰੀ ਵਾਲਾ? ਬਿਹਤਰੀਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਡੇਰੀ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ? ਹੁਣ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਸਮਝੋ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। 50 ਲੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਸ਼ੇਰਾ ਇੱਕ ਡੇਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ 10 ਕੁ ਮੱਝਾਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅੱਛਾ, ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫੇ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ? ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਜ ਉਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਲਾਲ ਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਸਾਹਿਬ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁੰਮ ਗੁੰਮ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ। ਅਭੀ ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੋ ਅਭੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਹੂੰ ਤੋ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਕਾ ਖਾਣਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਟਾਈਮ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਾਤਿਮਾ ਤੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਖੇਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸਭ ਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਮ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕਰਤੇ ਕਭੀ ਮੁਝੇ ਰਾਤ ਕੇ 12 ਬਜ ਜਾਤੇ ਹੈਂ, ਕਭੀ ਇੱਕ ਕਭੀ ਦੋ। ਤੋ ਯੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਐਡਿਟ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਤੋ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ। ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਮੁਝੇ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।